सो फ्रेंड्स एंड माय मेडिकल फ्रेटर्निटी और आप प्रभुचंद, आप सबको संबोधित करते हुए मैं कुछ अनकट अनबायस्ड मेडिकल फैक्ट्स डॉक्टर्स की डायरी से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैं ये बात को बिलीव करता हूं कि मेडिकल साइंस और मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को कुछ हद तक हम आपको दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारी लाइफ, हमारी इकोनॉमी और हमारी हेल्थ और हमारे परिवार के कल्याण से जुड़ा हुआ है। सो स्पीकिंग अबाउट विजडम ऑफ मेडिकल साइंस, एपिडेमियोलॉजी, साइंस ऑफ वैक्सीनेशन, वेदर इट इज अ साइंटिफिक साइंस और नॉट, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, इन थॉट प्रोसेस को अगर मैं सामने रखता हूं तो इससे हमारी मेडिकल साइंस की जो डिलीवरी सिस्टम होती है वो और इंटरेस्ट होगी। ऐसा मैं क्यों बिलीव करता हूं, इसलिए क्योंकि किसी भी देश की डेमोक्रेसी अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग सस्टेनेबल और कंस्ट्रक्टिव डिबेट से एनरिच्ड और बेहतर आगे की तरफ बढ़ती है। इंडिया उसका एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन यह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव डिबेटिंग से। इसी तरीके से मेडिकल साइंस में भी अगर अलग अलग थॉट प्रोसेस आती हैं और उनकी डिबेट्स होती हैं तो मेडिकल सिस्टम और एनरिच्ड किया जा सकता है। मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा कि आज का जो मेडिकल साइंस है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बीमारी को ट्रीट करने में ना काफी रहा है। इसके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, मेरा एक साइंटिफिक माइंड है वो क्वेश्चंस सामने पुट करता है कि पिछले 10 साल में एपिडेमिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़े, चाहे H1N1 फ्लू करें, चाहे इबोला करें, चाहे जैपनीज एनसेफलाइटिस करें, इन्फ्लुएंजा लाइक सिकनेस करें, अब कोविड लाइक सिकनेस, SARS, MERS, इन सब की वृद्धि काफी गुना आगे बढ़ी है। इसके बावजूद भी आज हमारे पास कोई मेडिकल साइंस में लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। आज वी हैव टू शट डाउन द कंट्रीज कंप्लीटली। इवन शटडाउन करने के बावजूद भी ये इन्फेक्टिव रेट्स आगे बढ़ रही है। टेस्टिंग टूल्स, ट्रायल्स और एक वेक होप के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलने का सिंपल थॉट प्रोसेस यही है कि आज की डेट में हमें इननेट इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए। वी मस्ट वर्क ऑन इननेट इम्यूनिटी, वी मस्ट वर्क ऑन द होलिस्टिक मेडिसिंस, स्टार्ट मेकिंग चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी, क्योंकि ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स में चेंजेस शुरू हो चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में भी इन थॉट प्रोसेस में चेंज करना चाहिए। हमने आयुष मंत्रालय खोला है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, लेकिन सिर्फ मंत्रालय खोलने तक हमें सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमें इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसमें साइंटिफिक टेम्परमेंट डालने होंगे और इनको पॉलिसी मेकिंग के प्रोटोकॉल्स में डालना होगा। आज अगर हम मोनोपोलाइज मेडिकल सिस्टम, जिसको मैंडेटेड मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसको एलोपैथिक कहते हैं, अगर हम उसके ही प्रोटोकॉल्स पे चलेंगे तो हम लॉकडाउन पे हर समय रहते आएंगे और लोग भी खत्म होते रहेंगे, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। सो इट इज अ हाई टाइम फ्रेंड्स कि हमें अपने मेडिकल साइंस में चेंजेस करना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिए हैं और एक इनसाइट दिए। हालांकि ये आपस में बहुत तरीके से जुड़े नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि अपने में सॉल्व होते दिखाई देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेडिकल साइंस अपने में कंप्लीट नहीं है, इस पर बहुत कुछ और होना चाहिए। आपका रुझान होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ बढ़ेगा, जो कि दुनिया भर का बढ़ रहा है। डॉक्टर शिवा या दुराई मैसाचुसेट्स इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट ने सामने रखा है, उन्होंने इस बात को सामने रखा है जो मैं उनके सारे आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। दीज आर नॉट माय फैक्ट्स, इज अ फैक्ट व्हिच इज ऑलरेडी प्रूवन बाय डॉक्टर यदुराई, व्हिच यू कैन गो ऑन हिज साइट एंड गो ऑन हिज यूट्यूब एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स। उन्होंने कहा है कि 4.35 मिलियन पीपल सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एरर से और एट्रोजेनिक या हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शन और ड्रग्स के एक्शन से खत्म होते हैं हर साल। तो कोई ड्रग अगर इतने लोगों को अपने एरर के अंतर्गत खत्म कर सकती है तो डेफिनेटली उसके थॉट प्रोसेस में बदलाव आना चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट हैं कि उसके एक एक डेटा को हमने सही तरीके से लोगों के सामने पुट किया है तो हम इसमें भी ऑनेस्ट होना चाहिए कि हम किस एफिशिएंसी के साथ इस 4.35 को माइनस में कन्वर्ट करते हैं।
इसके लिए होलिस्टिक थॉट प्रोसेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर शिवा ने इसके लिए सामने रखा है, बिकॉज ही इज अ इंडियन बॉर्न पर्सन, तो उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न बायोलॉजी के सामने के साथ सामने पेश भी किया, उसके बहुत सारे मॉडल्स उन्होंने पेश किए जो कि अब समय के साथ धीरे धीरे फ्लोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के रूप में एक ही मॉलिक्यूल्स को सभी के लिए देना अपने में उचित नहीं है। ही इज द एडवोकेट ऑफ हाई प्रिसिशन एंड पर्सनलाइज्ड और पर्सनल केयर मेडिसिन। उनका कहना है कि ऐसी दवाइयां जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग हो, पर्सनल केयर करती हूं, ऐसी दवाई को वो एडवोकेट करते हैं। कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज अ साइंस ऑफ नो साइंस, ही टेल्स इट इज अ यूजलेस साइंस। उनका कहना है कि आप बॉडी की इम्यूनिटी को जागृत करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप एटेन्यूएटेड वायरस दे देते हैं कमजोर आदमी को, तो वो डेथ के रूप में खत्म हो जाता है। इज नॉट राइट, कोविड फियर मॉन्गरिंग इज नॉट राइट, क्योंकि आज हम प्रिपेयर्ड नहीं इसके लिए। और हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो इज द एक्सट्रापोलेशन। मैं आपको इसके लिए कुछ आंकड़े दूंगा जो मेरे सामने हैं। आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पे 22 लाख कुछ लोग कोविड से इन्फेक्टेड हैं और 1 लाख के ऊपर डेथ हुई है। मैं आपको बताएं, पिछले साल 2019 में अंडर रिपोर्टेड डेथ थी, लेकिन इंडिया में इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत 28,798 लोग 28,798 पीपल इन्वॉल्व थे और लगभग 1,218 लोग की डेथ हुई थी। क्या हम लॉकडाउन पे गए थे? क्या हमने स्पेशल मेजर्स लिए थे? फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट बीमारियों से 28 लाख लोग इंडिया में मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टीबीसी इससे लगभग 2.8 मिलियन लोग सफर करते हैं। ये 2016 का डेटा है, 2020 में जाकर ये और ज्यादा हो चुके होंगे। 2.8 लोग मिलियन पीपल सफर फ्रॉम टीबीसी, जिसमें 4.4 लाख लोग इससे मरते हैं पर ईयर, मतलब लगभग 4.5 लाख लोग टीबी जैसी बीमारियों से इंडिया में मरते हैं। ये इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि कोविड की जो डेथ रेट्स हैं उसकी तुलना में कॉम्पिटेंट डेथ रेट्स और भी बीमारियों के भी हैं। उनमें से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स कहीं ज्यादा डेथ प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कोविड यहां पे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। कोविड में किसी एक दिन 2000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि कोविड, अगर किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन होता है और वो हेल्दी है, तो उस हेल्दी आदमी, हर 100 हेल्दी आदमी पे मुश्किल से 2% लोग होंगे जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है किसी भी हेल्दी व्यक्ति में कोविड व्यक्ति को खत्म नहीं करता है। बोलने का मतलब है कि कोविड इज अ डिजीज ऑफ डिजीज पीपल, जिन आपको कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस के पैराडाइम्स को रीडिफाइन करना होगा और शिफ्ट होना पड़ेगा साइंस को, जंप थ्योरी से होलिस्टिक साइंस के ऊपर। बाहर खोजने की जगह कुछ चीजें अंदर भी हमें खोजनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सो मैं यहां पे एडवोकेट करता हूं डॉक्टर ससंगी थिंक टैंक के साथ कि हाउ टू रेज द इनेट इम्यूनिटी, हाउ टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरस। मैं अपने अगले ट्यूटोरियल पे इस बात पे जिक्र करूंगा कि किस तरीके से इम्यूनिटी के बारे में आप लोग को बताऊं। हेल्थ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स और आप लोग पढ़े लिखे जन सही तरीके से इम्यून सिस्टम के बारे में अवगत हों। अगर आप इम्यूनिटी के बारे में अवगत होते हैं तो आपके अंदर का बहुत सारा मिथ खत्म होता है, आपका जो अंदेशा वो खत्म होता है। अंदेशा खत्म होता है तो इल्यूजन्स नहीं होते हैं, हम गलत सोच नहीं रखते हैं अगर हम किसी चीज के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी रखते हैं। और अगर हम उसके बारे में पूरी तरीके से अवगत होते हैं, इल्यूजन्स नहीं रखते हैं, तो हम हमारे अंदर का फियर भी खत्म हो जाता है और फियर खत्म होने के बाद ही सही सोच की शुरुआत होती है। और आई एम श्योर कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इनमें बदलाव आएगा और आ रहा है,
ये कोविड इन्फेक्शन के बाद की जो दुनिया होगी वो अलग थॉट प्रोसेस पे चलेगी। आज हम और आप लगातार इनसाइट प्रोटोकॉल्स पे जा रहे हैं और डॉक्टर सत्संगीस ने हर समय इनेट इम्यूनिटी, इंटरनल इम्यूनिटी और होम्योस्टेसिस पे ध्यान दिया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने को हेल्दी रखें। मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स देखें किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को इनहांस कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। और मुझे आखिरी तक सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। ऑल द बेस्ट, स्टे फिट, ट्राई नॉट टू लॉयटर अननेसेसरली और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें।